टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत शाहजहां शेख पर केस दर्ज किया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद कैट सीट से बीआरएस विधायक जी लक्षा नंदिता की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह महज 36 साल की थी। हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात अचानक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़क पर निकल आए। उनके साथ ही इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई भी कदम बढ़ा रही है। आज दिन में शाम तक अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस भेजा जा सकता है। सीबीआई के साथ ही ईडी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की तैयारी में है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक गांव में पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 505 ग्राम हीरोइन ले जा रहा एक पाकिस्तानी कैडकॉप्टर बरामद किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपनी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। बजट में कई लोक लुभावने ऐलान संभव है। इस साल लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर महीने में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब हरियाणा सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और कहा कि इस घटना के विरोध में आज काला दिवस मनाने के साथ ही ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मनोहर जोशी के निधन से हमें बेहद दुख हुआ है। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में वर्षों बिताए और नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जिम्मेदारियां निभाई। शिवसेना उबाटा नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शून्य से जगत का रचयिता महाराष्ट्र पर बहुत गर्व है। अंतिम सांस तक शिवसैनिक के रूप में रहे मनोहर जोशी जी को नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। सर के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति का सभ्य चेहरा खो गया। महाराष्ट्र के कारंजा के बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन हो गया है। राजेंद्र पाटनी के निधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताया। पीएम मोदी का लोकसभा 2024 का रोडमैप तैयार है जिसकी तैयारी पार्टी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। पीएम 27 से 28 फरवरी को 3 राज्यों का दौरा करेंगे। पहले तमिलनाडु, केरल और फिर पीएम मोदी का विकास रथ महाराष्ट्र पहुंचेगा। यह वो विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने गुरुवार को यह दावा करते हुए पार्टी छोड़ दी कि उनके सहयोगी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में पार्टी की पूर्व विदर्भ इकाई की पदाधिकारी शिल्पा बोड़के के नेतृत्व पर उन्हें टिश्यू पेपर के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव तो छोड़ो, जिला परिषद के भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। शरद पवार को चुनाव आयोग की तरफ से नया सिंबल मिल गया है। नए सिंबल में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते हुए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में इसे तुतारी बोलते हैं। नया पार्टी सिंबल मिलने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। निफ्टी फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला हुआ है और शेयर बाजार में रौनक बरकरार है। निफ्टी 22,290 के लेवल पर पहली बार खुला है और इसकी ऑल टाइम हाई ओपनिंग आज के कारोबार में निफ्टी पहली बार 22,997.50 के लेवल तक गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज 12% की जोरदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कंपनी ने आज नई ऊंचाइयों को छू लिया है और पहली बार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,00,000 करोड़ के पार निकल गया। भारत के प्रधानमंत्री अक्सर भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करते रहते हैं। वो देश के हर मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। उन्होंने अब रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी को उनकी शादी की बधाई दी है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की
एरियल एक्शन फिल्म फाइटर को रिलीज हुए एक महीना पूरा हो चला। ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर उड़ान भरते भरते भी थक चुकी है और इसका फ्यूल भी पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसी ही टॉप 20 खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए NBC News। धन्यवाद।